अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरत से होंगे और खुश होंगे। अभी बज रहे हैं 12:30 का टाइम हो रहा है और हमारी लाइट जा चुकी है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइट जा चुकी है जो कि 12 बजे चली जाती है। और मैं आज बना रही हूँ चने और अंडे का सालन। इसका मसाला वगैरह हमने रेडी कर दिया था जब मैं उठी तो, लाइक प्याज वगैरह लाल कर दिए थे और टमाटर डाल दिया था। इसमें जो है मैंने डाला है कोरमा मसाला, दही, और इसमें जो है वो बॉयल एग भी डालेंगे। 4 अंडे मेरी अम्मा जो है वो अंडे लेने में या सालन वगैरह में डालने में ना बहुत कंजूसी करती हैं, इस वजह से जो है बहुत कम अंडे बनते हैं। सो 4 अंडे बीच में से हाफ होंगे तो ये जो है वो 8 पीसेस हो जाएंगे। चने जो है ये बॉईल कर, अच्छा हम लोग इनको छोले बोलते हैं, कुछ लोग छोले नहीं बोलते पता नहीं क्या, लेकिन ये जो है बॉईल कर लिए हैं अच्छे से। मुझे ना ये सॉफ्ट पसंद है, कुछ लोग मतलब थोड़ा सा हार्ड रखते हैं लेकिन मुझे सॉफ्ट पसंद है। अभी दोपहर में तो रोटियां बनेंगी जो कि मैं बनाऊँगी क्योंकि आज मेरी टर्न है किचन की, किचन का सारा काम जो है वो मेरे ऊपर है। तो आज जो है वो मैं बनाऊंगी। इसमें जो है मैं अभी से हरी मिर्च डाल दूंगी और ये अच्छे से मतलब मिक्स हो जाए, देन उसके बाद ही मैं अंडे जो है वो एंड में डालूंगी क्योंकि वो ऑलरेडी बॉयल हुए हुए हैं तो वो टूट जाएंगे बीच में से, जो है वो जर्दी वगैरह जो है वो टूट जाएगी, तो इस वजह से अंडे जो है वो एंड में पड़ेंगे। पहले इसमें हरी मिर्च मैं डाल दूँगी ताकि वो थोड़ा सा ना गल जाए और फिर खाने में मज़े के लग जाए। टाइम हो गया है तो मैं निकल गई हूँ अपने बिल्ले को क्लिनिक ले जाने के लिए। आज जो है लास्ट डे है, होपफुली सब कुछ ठीक रहेगा। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, अभी तक मैं रास्ते में हूँ। 2 बजे जो है क्लिनिक खुल जाता है, मतलब OPD के जो टाइम होता है वो 2 बजे होता है और 12 बजे वैसे खुल जाता है, लेकिन 12 बजे जो है वो सारी सर्जरीज वगैरह वो अटेंड करते हैं, देन जो 2 बजे होता है वो OPD टाइम मतलब जा सकते हो। सो मैं जा रही हूँ, 2 बजे से पहले ही निकल गई थी मैं क्योंकि रास्ते में मुझे बहुत ट्रैफिक मिलता है। आज इसको जो है वो ट्रीटमेंट की लास्ट डोज लगेगी, होपफुली सब ठीक रहे। मैं जो घर आ गई हूँ, जस्ट अभी अभी घर पहुँची हूँ। सो आज जो है रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, सारा ट्रैफिक जो है वो इस तरफ आया हुआ। एक्चुअली हमारी जो यूनिवर्सिटी रोड है वहाँ पर शायद कोई ये लोग कोई दूसरा रोड बना रहे हैं किसी ग्रीन बस लाइन के लिए, या फिर एक और ब्रिज बना रहे हैं, पता नहीं क्या। इतना सारा खुदाई का काम चल रहा है, ट्रैफिक जो है ना मतलब पहले इतना खुला रोड था यहाँ पे, ट्रैफिक नहीं होता था, लेकिन अब जो है ना जब से इन्होंने खुदाई स्टार्ट किया ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर भी ट्रैफिक था एंड जौहर की तरफ भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, अलादीन की तरफ, क्योंकि मैच स्टार्ट हो गया आज से तो स्टेडियम वाला जो रोड है वो शायद बंद कर दिया होगा इन्होंने, तो सारा ट्रैफिक जो है ना वो यहाँ से गुजरता है। और डॉक्टर के पास आज अल्लाह का शुक्र है लास्ट डे था, मैं पिछले 4 दिनों से जा रही थी रोज़ाना, आज लास्ट डे था। आज जो है इसकी ड्रिप भी काफ़ी लंबी चली थी क्योंकि इससे जो है ना इसका जो स्टमक था मतलब टमी जो है इसका वो काफ़ी हार्ड हो रहा था। डॉक्टर को ऐसा लग रहा था कि इसको ना यूरिन ब्लॉकेज हुई हुई है, पता नहीं क्या, उन्होंने प्रेशर देकर भी देखा लेकिन इसने वहाँ पे जो है ना यूरिन नहीं किया, तो इस बात की टेंशन फिर मुझे हो गई थी। तो उन्होंने कहा था कि आज का दिन ऑब्जर्व करना है, तो इंजेक्शन वगैरह एंटीबायोटिक जो इसके चल रहे थे वो सारे जो है वो आज हो गए हैं, वो सारे आज हो गए हैं। अब फिर जो है ना डॉक्टर ने एक और टेंशन लगा दी थी कि इसका पेट है वो बहुत हार्ड हो गया है, इसने यूरिन ही किया। फिर वो ऑब्ज़र्व करने के लिए बोला था मुझे और कहा था कि अगर ना करे तो कल फिर लेकर आना। शुक्र है मैं जैसे ही घर पर आई इसने फौरन से जो है ना प्रेशर से यूरिन कर लिया था, तो मतलब मेरे लिए बहुत रिलीफ की बात थी क्योंकि डॉक्टर ने कहा था अगर ये यूरिन ना करे तो हो सकता है कि हमें जो है ना मतलब किसी तरह प्रेशर दे के कुछ करना पड़ेगा। अब आई डोंट नो किस तरह क्या करते वो। खैर मैं काफ़ी परेशान हो गई थी, पूरे रास्ते सोचते हुए आ रही थी अब क्या होगा अब क्या होगा, एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं कि दूसरी आ गई, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र रात रात कि इसने जो है ना यूरिन पास कर दिया है।
अभी तो नॉर्मल है ये, बस ये है कि खाना वगैरह जो है ना अभी प्रैक्टिस में आ जाए खाने के लिए, तो वो थोड़ा मेरे लिए सही हो जाएगा, मतलब रिलीफ में आ जाऊँगी मैं। अभी जो है मैं खाना खा रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया था, मैं से चली गई थी क्योंकि लाइट चली जाती है तो इतनी गर्मी में खाया नहीं जाता। और गनीमत है हमारी लाइट आई, 2:30 बजे आई और उसके बाद 3 बजे मेरे ख्याल से दोबारा चली गई। अभी बज रहे हैं 4 बजने वाले हैं, 10-15 मिनट हैं 4 बजने में और अब तक लाइट का कुछ अता पता नहीं है। लाइट जो है वो 12 बजे की गई हुई है और 4 बजने वाले हैं। ये जो है रोज़ का एक होता है ना मामूल बन चुका है कि लाइट हमारी होती ही नहीं है। और आज तो इतनी कोई गर्मी हो रही है, बाहर हवा चल रही है लेकिन घर में बहुत गर्मी हो रही है, हब जैसा हो रहा है। सो मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। 9:30 बज चुके हैं और हमारी लाइट आ गई है। अभी मैंने जो है वो रोटियां वगैरह बना ली, वैसे मेरा चावल बनाने का मन था लेकिन मेरा खाने का दिल नहीं चाह रहा खाना, क्योंकि मैंने आज जो है वो लेट खाया था तो इस वजह से मैंने जो है वो रोटियां बना ली। और अभी जो है वो मैं अपने बिल्ले का लिटर पॉट मैंने चेंज साफ वगैरह कर लिया, अब इसमें जो है वो साफ़ मिट्टी डाल रही हूँ मैं, सो ताकि वो प्रॉपर जो है सही से, इतने दिनों से जो है इसने कुछ भी नहीं किया ताकि वो जो है करे। एक्चुअली इसके जो है ना नखरे भी बहुत होते हैं कि साफ़ होना चाहिए, साफ़ नहीं होगा तो नहीं करेगा, और मिट्टी ज़रा सी भी गंदी होगी ना तो बस इसे बैठना नहीं होता फिर, तो इस वजह से मैं हर 2 दिन बाद जो है वो चेंज करती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने चेंज इसलिए नहीं किया था क्योंकि इसने कुछ किया ही नहीं था, इस वजह से मैंने चेंज नहीं किया, तो आज इसने किया है तो मैं अभी चेंज कर रही हूँ। सो और अभी तो फ़िलहाल कुछ करने को है नहीं एज सच, रोज़ ही मेरे पास कुछ नहीं होता, जो होता है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, दिखा देती हूँ। सो या बस इतना ही है, इसी के साथ जो है वो मैं आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।